गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 3.6। अब 3.6 में क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा कोई कॉमन फैक्टर दो नंबर का कॉमन फैक्टर जो मिलता जुलता हो, उसको मल्टीप्लाई करके हमको निकालना है। जैसे हम अभी तक करते आए हैं, वैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने जैसे किया, अलग अलग फैक्टर निकाला है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मतलब जो भी हमारा फैक्टर का आंसर निकलेगा उसको हमको मल्टीप्लाई करना है और फिर वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3.6 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मैं आपको फर्स्ट वाला और जी वाला बताती हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट क्या है, 18 एंड 48 है। ओके, तो अब 18 और 48 है तो मैं इनका अलग अलग निकालूंगी। ठीक है, जैसे हमने फैक्टर निकाला था वैसे मैं इसका भी फैक्टर निकालूंगी। तो अब मैं 18 का निकाल रही हूँ, तो 18 किस, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3 ये निकाल दिया। 48 का निकालूंगी तो 2 24 48, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, तो मैं अलग अलग सबका लिख दूंगी। अब अलग अलग लिखने पर मुझे क्या मिला, 2 × 3 × 3 18 का हो गया, और इसे क्या है 4 × 2 और 1 × 3। तो अब मुझे देखना है इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन है ये 2 और ये लास्ट वाला 3। बाकी यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है। ओके, तो हमको क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों 2 × 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 6। तो मतलब हमारा HCF क्या है, 6 है। ओके, उसी तरह से 3 नंबरों का कैसे करेंगे, अलग अलग लिख देंगे उसको भी और उसका हमको फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 35 70, 5 7 35, 7 1 7। क्योंकि ऊपर देखो ये 3 से जाएगा नहीं, चलो अगर ये 2 से चला भी गया तो ये जो 35 है ये 3 से नहीं जाएगा ना 4 से जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 7 35, और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम उसको डायरेक्ट 7 1 7 कर देंगे। ओके, अब 105 कैसा है, वो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 है, तो इसको हमने 3 से किया, 3 3 3 9, 1 एक बज गया तो इधर हो गया, तो ये 15 हो गया। अब ये 15 हो गया तो ये क्या हो गया, 3 5 15। और 35 किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 7 35। और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 1 7। उसी तरीके से 175, तो अब तीनों का मैंने लिख दिया, तो 70 का क्या है, 2 × 5 × 7, 105 का 3 × 5 × 7 और 75 का 5 × 5 × 7। तो अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो 5, ये तीनों जो दिया तीनों अलग है, तो इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 × 7, 5 × 7 क्या आ गया, 35। ठीक है, ईजी है। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जुकेटिव नंबर्स। क्या पूछा गया है, वॉट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जुकेटिव नंबर्स। 2 कॉन्जुकेटिव नंबर्स क्या होता है, जो रिपीटेशन में होते हैं। तो 2 कॉन्जुकेटिव नंबर्स, 2 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स, 2 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर्स। नंबर्स मतलब आप 1 और 2 का भी HCF निकाल सकते हो, 2 और 3 का निकाल सकते हो, ये सिर्फ नंबर्स का बता रही हूँ मैं। लाइक 100 और 101, ये भी एक के बाद एक वाले नंबर है, तो इनका कोई सा भी दो नंबर्स का निकाल सकते हो। अब 2 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे जो भी लगातार नंबर, जैसे इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, तो आप इसका भी निकाल सकते हो। इन दोनों का, मतलब आप 8 और 12 का नहीं निकाल सकते हो, 8 और 10 का निकाल सकते हो, 10 और 12 का निकाल सकते हो, 10 और 14 का भी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, मतलब आप इन दोनों का निकाल सकते हो। लाइक ऑड नंबर में आप इन दोनों का निकाल सकते हो, इन दोनों का निकाल सकते हो, लाइक 1 और 5 का नहीं निकाल सकते, 3 और 7 का नहीं निकाल सकते, आपको दोनों साथ में होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने इवन नंबर्स का करा है, आप नंबर्स और ऑड नंबर्स का कर लेना। ठीक है, तो इवन नंबर्स में क्या दिया हुआ है, इवन नंबर्स में मैंने 12 और 14 लिया है, 12 एंड 14 लिया, तो 12 को मैंने पहले निकाल दिया और फिर 14 का निकाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरा सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 क्या हो गया, मेरा HCF नंबर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है,
HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. मतलब इन लोगों ने क्या किया, 4 का और 15 का HCF निकाला है. तो आंसर उनको क्या मिला, 2 into 2 and 15 into 15 equals to 3 into 5 मिला है, क्योंकि इन दोनों में कोई common नहीं है. ठीक है, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि HCF of 4 और 15, तो HCF of 4 और 15 का क्या है, 0 है. ठीक है, तो आंसर क्या इनका करेक्ट है कि HCF 0 है, तो ये आंसर करेक्ट है. और अगर नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे पहले 4 और 5, 15 का निकाला. तो यहाँ पर हमको कोई भी कॉमन नहीं मिला, यहाँ तक हम एंड कर देते हैं ना. तो जब अगर 1 आया यहाँ पर, तो हमको जब दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम 1 इज़ 1 और यहाँ पर भी 1 इज़ 1 कर देंगे, क्योंकि HCF कभी भी 0 नहीं होगा. ओके, तो 4 का भी मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 1, 15 का भी लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 1, और 1 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, तो HCF हमारा 1 हो गया. क्यों हमने 1 लिया यहाँ पर, 1 और 1 क्यों किया, क्योंकि HCF कभी 0 नहीं होता. HCF हमेशा कुछ ना कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो कॉमन रहता ही है. ओके, ये तो मैंने बता दिया. अब जो बाकी बचा है एक्सरसाइज में, वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू.